वोमन यूनिवर्सिटी मर्दन के ज़ेर एहतमाम आज वोमन यूनिवर्सिटी में नहते कश्मीरी भाइयों के साथ इजहारी यकजहती मनाई गई, जिसमें वाइस चांसलर समेत HODs, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और स्टाफ मेंबरान ने शिरकत की। रैली की क़ियादत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर गजल यास्मीन कर रही थी। रैली में मौजूद शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। रैली में शुरका ने हाथों में मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर इंडिया के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में नारे दर्ज थे। और हम ये चाहते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए, उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का जो हक है वो किसी को भी छीनने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए हम जो है वो आज यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी सॉलिडारिटी उनके साथ शो करें और उनको ये बताएं कि उनको पूरा हक है कि जिस तरह से वो जीना चाहते हैं वो जी सकें। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उनको ये मुकम्मल आज़ादी है। और किसी भी मुल्क को, चाहे वो हिंदुस्तान हो या कोई भी और मुल्क, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो उनसे हक ले सके बहैसियत इंसान। इसलिए हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया। रैली के शुरका ने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस अकदम को हैराज तस्सीम पेश करते हैं, जिन्होंने हफ्ते में एक दिन कश्मीरों के साथ इस ज़रिए यकजहती के तौर पर मनाएंगे। او موږ غواړو چې کشمیریان ته خپل ملک واپس ملو شي. پاکستان افورتس چې وینو دي کې کافی ډیر دي او موږ غواړو چې پاکستان دې لپاره نورم کنټریبیوشنز وکړي. موږ د پرایم منسٹر عمران خان د دې کال ډیر زیات موږ سپورټ کوو. उन्होंने कहा कि कश्मीरों को उनका हक देना चाहिए। हर किसी को एहतियार हासिल है कि वो अपनी मुल्क में बेहतियार रहे, किसी भी ज़बरदस्ती इस पर ना हो। कैमरामैन शहबाज दुरानी के साथ मलक शाहजीब, MTV मर्दान।